और यस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पूरे इंडिया में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा, देखिए मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, तो कॉल मैंने लगा दिया है जुबली ग्रुप के डायरेक्टर संयम डुडेजा को, बात करते हैं उन्हीं से जानते हैं। हाय जी, बर्थडे वाला हेलो है के जी। हाय मीनाक्षी, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक, इतना अच्छा मौसम है। जी इससे अच्छा अभी एक चीज हुई है विच इज ग्रेट न्यूज फॉर आई थिंक ऑल द पीपल हु वांट टू बाय होम्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और एनीथिंग। सबसे बड़ी बात ये कि देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो 25,000 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। संयम सर, अगर आपसे जानना चाहूँ हाउ बिग अ न्यूज इट इज? आई थिंक द न्यूज इन टर्म्स ऑफ बिग इज कि मैं इसको बिल्डर के एंगल से कम और कस्टमर के एंगल से ज्यादा देखूंगा। क्या बात? जिन कस्टमर्स के 4.5 लाख के आसपास घर जो उनकी हार्ड एंड मनी के कारण अभी भी उनको डिलीवरी नहीं मिली है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और जैसे भी कस्टमर को उनके घरों की डिलीवरी मिलेगी उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, नेगेटिविटी कम होगी एंड बिल्डर्स के लिए भी जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं एक बार वो निकलते हैं तो उनमें जो भी उनका प्रॉफिट है उनके पास आएगा तो वो भी अपना जो बाकी डिलीवरीज है बाकी प्रोजेक्ट है उस पर बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आई थिंक बिल्डर से ज्यादा मैं इस न्यूज को कस्टमर के एंगल से देखूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कस्टमर्स के लिए रिलीफ आई है जो बिल्डर्स के कारण जिनके घर फंसे हुए हैं एटलीस्ट अब उन लोगों को घर मिल पाए। और दो दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जो ये कह रही थी कि ओवरऑल अगर थोड़ा स्लो डाउन या स्लंप हो रियल एस्टेट में उतना स्लो डाउन और स्लंप नहीं है। डू यू अग्री टू दैट? आई एग्री कि रियल एस्टेट में जो डेवलपर अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक काम कर रहे हैं और अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं उनके लिए कोई स्लंप। जैसे जुबली वॉक, जो वॉक हर कोई लेना चाहेगा। कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन फॉर द ग्रेट प्रोजेक्ट दैट यू ब्रॉट, दैट्स जुबली वॉक सेक्टर 70 मोहाली। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच।